परपत्रों के बालू भरकर परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टरों को तहसीलदार धवाकर ने पकड़ा। इन ट्रैक्टरों को तहसील लाया गया, यहाँ पर कई घंटे खड़े रहे। इसके बाद दोनों ट्रैक्टरों को छोड़ दिया गया। जब तहसीलदार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया दोनों ट्रैक्टरों के मौके पर कोई भी परपत्र नहीं थे, तो दोनों ट्रैक्टरों को तहसील परिसर में खड़ा कर दिया गया तथा बाद में ट्रैक्टरों के परपत्र देखकर तथा चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इसी तरह बालू माफिया खुलेआम बालू खनन का काम सरेआम करते आ रहे हैं। जब उनके ट्रैक्टर पकड़ जाते हैं तो बाद में परपत्र देकर छुड़वा लिए जाते हैं। आखिर जब इन बालुओं के ट्रैक्टरों के परपत्र होते हैं तो ट्रैक्टरों के साथ लेकर क्यों नहीं चलते? जानकारी के अनुसार जब अधिकारी ऐसे बालू से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ते हैं तो उन ट्रैक्टरों पर कार्रवाई ना करके उन ट्रैक्टरों के मालिकों का घंटों इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक्टरों को छोड़ दिया जाता है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मऊरानीपुर से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रात के आपके द्वारा दो ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई, सर क्या की गई पकड़ के? हम खेत भ्रमण पर निकले थे, उधर धवाकर में जी तालाब खेत भ्रमण था, तो हटवाने के लिए तो रास्ते में लौट रहे थे। लौटते समय दो ट्रैक्टर दिखे हमको संदिग्ध हालत में जी, उनको रुकवाया गया। पेपर की मांग की गई थी, पेपर उन्होंने नहीं दिखा, उनके पास पेपर नहीं थे जी, तो उनको हम जो है पकड़ के इधर ले आए तहसील क्षेत्र में जी। तो अभी जो उनके द्वारा पेपर मंगाए गए हैं MMLA में जी कम्प्लीट है, तो अभी उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जा रहा है। सर जैसे जो रॉयल्टी होती है तो ट्रैक्टर से जब बालू भरी जाती है तो वर्तमान में रॉयल्टी होनी चाहिए कि घर पे आके दिखाई जाती है? सर नहीं होना चाहिए, तुरंत वहीं, लेकिन उन्होंने उनके जो है ओनर ले आए हैं यहाँ पर, तो इस लापरवाही सर वो तो बाद में ठेका से भी आ सकती है सर। इनको हम चेतावनी देकर छोड़ दे रहे हैं, कोई सर उनके ऊपर जुर्माना नहीं? अभी पेपर आ गए हैं अभी तो क्या ऐसा छोड़ दिया जाता है सर चेतावनी से? नहीं पेपर कंप्लीट है तो नहीं होता, छोड़ हम थोड़ी छोड़ते हैं।